स्टार प्रचारकों ने तेज किया प्रचार, चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। रोहतक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली होने जा रही, कलानौर से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे चुनावी प्रचार। ये इस वक्त की बड़ी खबर, कलानौर से पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार यहाँ पर करेंगे तमाम बीजेपी के आला नेता जो है इस वक्त हरियाणा में डेरा डाले हुए हैं। और आज की अगर रैलियों की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा हरियाणा का, दूसरी तरफ आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। यानी पूरी तरीके से चुनावी माहौल जो है वो हरियाणा में हलचल तेज कर चुका है और बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक जो है हरियाणा में इस समय डेरा डाले हुए हैं। लगातार पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है। इस कड़ी में आपको बता दें आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा, और संजय हमारे साथ इस बीच रोहतक से इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं बीजेपी के स्टार प्रचारकों का? लगातार डेरा यहां पर हरियाणा में डाला हुआ है और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां, कितने बजे तक उनका आने का कार्यक्रम है? और देखिए अंजलि, आज क्या जब से विधानसभा के चुनाव की जो है भाजपा या कांग्रेस कहे दोनों पार्टियों की जो है राष्ट्रीय अध्यक्षों की और जो है केंद्रीय नेतृत्व की जब से लिस्ट जारी हुई है तब से ताबड़तोड़ जो है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो है प्रचार किया जा रहा है और चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियां जो है हरियाणा में चल रही है। ऐसे में पूरी तरह से माहौल गर्म है और केंद्रीय नेतृत्व अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है छोटे से छोटे चुनाव को पूरी तरह से जो है तैयारी के साथ और रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है। इसीलिए जो है भाजपा पार्टी ने लगभग जो है तमाम बड़े नेता जो है वो हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज रोहतक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा पार्टी के हैं जेपी जगत प्रकाश नड्डा वो जो है आज आएंगे और जो कलानौर विधानसभा की जो प्रत्याशी है रेणु डाबरा उसके को लेकर जो है चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि नई अनाज मंडी में ये जो है जनसभा रखी गई है उसमें जो है लोगों को संबोधित करेंगे, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लगभग 12-1 बजे के करीबन जो है जगत प्रकाश नड्डा जो है वो पहुंचने वाले हैं, उसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि उसके अगर और बात करें तो महम में रोहतक के महम दूसरी विधानसभा है उसमें जो है मुख्यमंत्री महेश सिंह सैनी जो है वो जो भाजपा के प्रत्याशी दीपक हुड्डा है उसके चुनाव प्रचार में पहुंचेंगे। उसी दौरान जो है केंद्रीय मंत्री जो है हरियाणा के जो का जो चुनाव कार्यालय प्रदेश का भाजपा ने बनाया हुआ है वहां पर जो है कहीं ना कहीं वो पत्रकारों को संबोधित करते नजर आएंगे। तो ये कहें कि भाजपा पार्टी पूरी तरह से चुनाव मोड में नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के भी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा पार्टी रोहतक में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका चुनाव प्रचार चल रहा है। बिल्कुल संजय, अब कार्यकर्ताओं में उत्साह किस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम बीजेपी के स्टार प्रचारक का भी अब कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा दौरे पर आए हुए थे। बीजेपी की यहाँ पर बात की जाए तो लगातार रैलियां स्टार प्रचारकों द्वारा की जा रही है, वही दूसरी तरफ कांग्रेस की यहाँ पर बात की जाए तो अभी भी वहां पर ना तो राहुल गांधी का कार्यक्रम है लेकिन वो आगे है, लेकिन कांग्रेस में भी अंदर खाने क्या चल रहा है, किस तरीके का प्रचार अभियान इस समय चल रहा है? उधर आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल वो भी हरियाणा में डेरा डाले हुए हैं, तो इस समय चुनावी माहौल किस तरीके को देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले से भी नहीं कह सकते, यहाँ पर कई पार्टियां हैं चुनावी मैदान में। बिल्कुल अंजलि, देखिए अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से जो है तैयारियां कर रही है, उसके बावजूद जो है केंद्रीय नेतृत्व अगर राहुल गांधी की बात करें या सोनिया गांधी की या प्रियंका गांधी की बात करें तो तमाम बड़े नेताओं की लिस्ट जारी हो चुकी है। हालांकि हरियाणा में जो है इक्का दुक्का जो है नेता यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो बात आपने की तो राहुल गांधी जो है चुनाव प्रचार करेंगे और जल्द ही जो है हरियाणा में आपको जो कई रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जो है अगर बात करें कुमारी सैलजा की तो कुमारी सैलजा लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हरियाणा में जो राज्यसभा के लोकसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से इस चुनाव को देख रही है, क्योंकि 10 साल सत्ता से दूर रहकर जो है कांग्रेस पार्टी अब नहीं चाहेगी कि आप इस चुनाव में भी जो है 2000
जो 24 का चुनाव है उससे भी दूर हटे, लेकिन इसीलिए जो कहीं ना कहीं वो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में भी बदलाव किया है। भाजपा पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उसी को लेकर जो है सभी तमाम बड़े नेता जो है चुनाव प्रधानमंत्री के साथ यानी पूरी तरीके से चुनावी मोड यहाँ पर बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।